गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर, फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आज है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है टॉपिक का नाम हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए, मान लो कोई चार्ज है, ओके, और चार्ज के बाजू में जो भी रीजन है, हम इसको बोलेंगे रीजन सराउंडिंग चार्ज। क्या बोलेंगे हम? रीजन सराउंडिंग चार्ज, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रीजन सराउंडिंग चार्ज इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है, इसके जो आजू बाजू का जो भी रीजन है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। ओके, बहुत सारे जो चार्जेस रखे हैं और वहां पे आपको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस कंसेप्ट को भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले थ्योरेटिकल लेवल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझ लेते हैं। तो ऐसा जो रीजन है सराउंडेड बाय द चार्ज, समझ में आ रहा है आपको? कोई भी एक चार्ज ले लो, उसके आजू बाजू का जो रीजन है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर बहुत सारे चार्जेस है और उनके बीच में हमको इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम इसको वेक्टर फंक्शन में देखते हैं, हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फंक्शन में देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, और अगर हम उसे स्केलर फंक्शन में देखते हैं, तो वो बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में देखेंगे हम, तो उसका नाम आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और अगर हम उसको स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमें बाद में स्टडी करना है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसको हम वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको बोलेंगे ई बार। तो ई बार मतलब आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो मान लो आपके पास कोई टेस्ट चार्ज या फिर मैं उसको बोल सकता हूं पॉइंट चार्ज, या फिर मैं बोल सकता हूं वेरी स्मॉल चार्ज। ओके, क्या बोल सकता हूं मैं? वेरी स्मॉल चार्ज, जिसको मैं बोलूंगा क्यू नॉट। तो अगर एक चार्ज है मेरे पास क्यू नॉट, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा उस चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। तो मान लो मेरे पास एक चार्ज है आपका टेस्ट चार्ज, जिसको मैंने क्यू नॉट कहा, और उसके पास में एक दूसरा चार्ज लेके आया, तो दोनों चार्ज में क्या लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो मान लो एक टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नॉट, और उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैथमेटिकली हम उसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो चार्ज होता है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, मतलब यहाँ पे हम इसको लिमिट क्यू टेंस टू जीरो भी कह सकते हैं, मतलब इस चार्ज की वैल्यू कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिट चार्ज है हमारे पास, या फिर टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो आप, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? एक चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज हम उसको बोल सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या बन गया उसका? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बाकी फिर डायमेंशन हम इसका निकाल सकते हैं। तो क्या है ई का फॉर्मूला?
फोर्स अपॉन चार्ज, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता, मास इनटू एक्सेलरेशन, और चार्ज एज इट इज। तो आप मुझे बताओ मास का यूनिट क्या है, केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट क्या है, अब चार्ज का यूनिट कूलम है लेकिन हमें डायमेंशन निकालना है तो हम उसको आई इंटू टी लिखेंगे, बरोबर है कि नहीं, क्योंकि करंट मतलब क्या होता है आपका, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो वहां से चार्ज हमारा आ गया आई इंटू टी। तो फिर आई का यूनिट होता है आपका एम्पियर और टाइम का यूनिट होता है आपका सेकेंड। तो फिर यहां से के जी मीटर, ओके, ये सेकेंड रेस्ट टू पावर वन ऊपर जाके माइनस वन हो गया, और ऊपर का माइनस टू मतलब माइनस थ्री हो गया, राइट, और ये एम्पियर वन जो है ऊपर जाके वो भी हो गया माइनस वन। तो डायमेंशन आया आपका एम वन, ओके, एल वन, टी कितना आया माइनस थ्री, और ए कितना आया माइनस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डायमेंशन भी फाइंड किया, कितना आया डायमेंशन, एम वन एल वन टी रेस टू माइनस थ्री ए रेस टू माइनस वन, ये हो गया उसका डायमेंशन, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है आपका, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और क्या बता सकता हूं आपको, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ओके, मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे रहेंगे, रेडियली आउटवर्ड बोलने का इसको, क्या बोलने का, रेडियली आउटवर्ड। और अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है, अगर आपके पास निगेटिव चार्ज है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, रेडियली इनवर्ड। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव चार्ज रहा तो रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज रहा तो रेडियली इनवर्ड। बाकी फिर हमने उसका डायमेंशन फाइंड किया, उसके फॉर्मूलेस देखे, बाकी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, स्केलर फॉर्म उसका पोटेंशियल है, और बाकी आपको बेसिक डेफिनेशन भी बताया हमने। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आप कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं, और मैं आपको एक चीज बता दूं आगे जाने के पहले, अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 4 देखने आए हैं तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं वो आपको देखना है, उसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर आपको ये चीजें समझ में आने वाली है। समझ रहा है सबको, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, मैं उसको क्यू बोलता हूं, और हमारे पास और एक चार्ज है जिसको मैं बोलता हूं क्यू नॉट, क्या बोलता हूं मैं उसको, क्यू नॉट, ठीक है। एक चार्ज हमने कंसिडर किया पॉजिटिव चार्ज, और एक हमने टेस्ट चार्ज लिया, उसको बोलेंगे हम क्यू नॉट। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे आर, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर। अब मुझे बताओ इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन अब ये दोनों भी चार्ज कैसे हो गए पॉजिटिव, मतलब फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो मुझे बताओ इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बरोबर है कि नहीं, इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही रहेंगी, तो हमेशा ध्यान में रखने का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिधर फोर्स की डायरेक्शन रहेगी उधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है। अब मान लो अगर आपने चार्ज कंसिडर किया निगेटिव चार्ज कंसिडर किया आपने, और ये आपका टेस्ट चार्ज जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, तो ये हो गया आर। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा आपका वो ऐसा लगेगा, बरोबर है कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अभी ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लेने की है, जिधर आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। अब फोर्स कब अट्रैक्टिव कब रिपल्सिव है मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई कूलम्स लॉ,
तो कूलम्स लॉ क्या देखा था हमने, दो चार्ज के बीच में अगर दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर, इतना फोर्स उसके बीच में लगने वाला है। तो अब ये जो फोर्स है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये तो कॉन्स्टेंट है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन अगर हम कंसिडर करते हैं क्यू, और क्यू टू कौन है हमारा क्यू नॉट, तो नीचे कौन है आर स्क्वेयर। तो कितना फोर्स लग रहा है हमारे यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, मतलब इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वही आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से E इज इक्वल टू एफ, कितना आया बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन। देखो एफ की वैल्यू इतनी रख दी, ये अपाउंड यहाँ पे आ गया, नीचे कौन है आपका क्यू नॉट, तो यहां से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसल, देयरफॉर E इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर क्यू बचा और नीचे बचा आर स्क्वेयर। तो कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वेयर। तो आपको तो फॉर्मूला ही जरूरी है, ये चीजें आपको 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरी है जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो कितना है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फिर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वेयर। समझ आ रहा है सबको, ओके। बाकी इसका वेक्टर फॉर्म वगैरह भी हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म वगैरह मैंने आपको बताया था, वो आप एक बार देख लीजिए जाके वेक्टर फॉर्म वगैरह कैसा आता है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया मैग्नीट्यूड, अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वगैरह वो मैंने आपको बताया था, तो आप इसका वेक्टर फॉर्म भी जाकर हमारे जो पिछले लेक्चर है देख लीजिए, उसमें मैंने आपको वेक्टर फॉर्म भी बताया है कैसे लिखने हैं, ठीक है, ओके। कुछ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर फॉर्म मतलब कैसा आएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे आपका आर क्या पाएगा और नीचे आपका आर का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म अपन कैसे लिख सकते हैं, सेम ऐसा जाएगा, नीचे एक आर बढ़ा तो ऊपर भी एक आर बढ़ा, तो आर क्या मतलब क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर, मतलब वो डायरेक्शन के लिए होता है। और वैसा तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, जिधर आपका फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म का मेरा वीडियो आप जाकर देख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको जल्दी से समझ में आने वाला है, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपको अगर ऐसा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब मान लो यह आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, यह आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और यहां पे हम कंसिडर करेंगे चार्जेस कंसिडर करेंगे, मतलब मान लो ऊपर लिखता हूं थोड़ा, यह आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब हमने ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने लिया आपका क्यू वन, यहाँ पे हमने लिया आपका क्यू टू, यहाँ पे हमने कंसिडर किया क्यू थ्री, और ये सभी चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज है, सभी चार्जेस कैसा है पॉजिटिव, ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है और हमारा क्यू नॉट भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्ज है, मतलब आप देखो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, बरोबर, एक नहीं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब फोर्स कैसा लगेगा रिपल्सिव वाला। सिमिलरली इधर भी फोर्स कैसा लगेगा हमारा रिपल्सिव वाला, इधर भी फोर्स कैसा लगेगा हमारा रिपल्सिव वाला, मतलब इस चार्ज के ऊपर जितने भी फोर्स लगेंगे वो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। अब मुझे बताओ इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया, जिधर आपका किसका डायरेक्शन रहेगा, जिधर आपका फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, तो हम इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ चार्जेस है तो हम इसको एन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे उसके तरफ अच्छे से ध्यान देना है। तो उसके लिए एक बार ये लिख लीजिए, मतलब थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाएगी। तो देखिए कैसा करना है, मुझे बताओ आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास,
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा आया है। अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे यहाँ पे लेना है तो इस चार्ज के पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वन है, ई टू है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ई वन प्लस ई टू प्लस अप टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज बोला तो बहुत सारे चार्ज रहेंगे जो सभी मिला के उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि किसी चार्ज के ऊपर जब फोर्स लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका सब सम अगर हम करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। तो आप मुझे बताओ ई एज इट इज, ई वन अगर लिखना है आपने, ई वन मतलब क्या, ये दोनों के बीच में, ओके क्यू नॉट अपॉन क्यू वन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर Q नॉट और Q1 के बीच में अगर हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे तो यहाँ पे Q1 और Q नॉट आ जाएगा, फिर Q नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जैसा यहाँ पे Q बचा था वैसा यहाँ पे Q1 बचेगा, बाद में Q2 बचेगा। मतलब सिंपल तरीका ये है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ई वन के लिए आपको क्यू को करना है क्यू वन नीचे आर स्क्वायर, ई टू के लिए आपको करना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू वन के लिए आपको करना है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर। तो फिर यहां से आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं फिर बताओ, क्यू वन बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू टू बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू एन बाय आर एन स्क्वायर, ऐसा भी हम उसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम समेशन ऑफ यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समेशन ऑफ यहाँ पे हम चार्जेस देख रहे हैं और समेशन ऑफ यहाँ पे हम डिस्टेंस देख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही देखा, लेकिन बहुत सारे चार्जेस हमने यहाँ पे देखे, उस केस में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, कैलकुलेट किया। अब आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स वगैरह भी है, बट मैंने आपको बताया है मैं एग्जाम्पल वगैरह जो है ये मैं बाद में लेने वाला हूँ, मैं पहले पूरा थ्योरी कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज आप पहले पास से पूरे लेक्चर देखिए, पहले पास से मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा, और अगर आप शुरुआत से सब लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा ही हमारा चैप्टर खत्म होता है तो मैं कम से कम 100 एमसीक्यूज आपको हर एक चैप्टर के ऊपर सॉल्व करके देने वाला हूँ। मतलब मान लो अगर फिजिक्स 11 12 में अगर 30 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, 30 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर के ऊपर 100 एमसीक्यूज आपको फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर मिलने वाले हैं। मतलब 3000 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस मैं खुद आपका लेने वाला हूँ, मतलब मैं खुद आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। उसके अलावा आप घर पे कितना करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा चलने वाला है, तो बहुत मजा आने वाली है, बस आप लेक्चर रेगुलर देखिए और स्टडी करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।